दोस्तों कैसे हैं। 2 मिनट में करंट अफेयर्स का बड़ा सेक्शन कवर करेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के रूप में ये जो फोर्ब्स वगैरह की रिपोर्ट आती है यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो चलिए कुछ फटाफट क्वेश्चन देखते हैं और लिख लीजिएगा इनको। प्लेलिस्ट दी हुई है, प्लेलिस्ट में करीब 25-26 वीडियो हो चुकी है 2 मिनट वाले करंट अफेयर की। बड़ा करंट अफेयर आपका रेडी होता रहेगा। चलिए फोर्ब्स की सूची के ऊपर विशेष रूप से बात कर रहे हैं। वर्ल्ड हाइएस्ट पेड एक्टर कौन है, विश्व के पेड एक्टर अभिनेताओं की बात कर रही है, तो ड्वाइन जॉनसन है सबसे रैंक वन पे, ठीक है। इसमें एकमात्र भारतीय है टॉप 10 में, वो है चौथे नंबर पे अक्षय कुमार जी। कौन है? अक्षय कुमार को याद रखिएगा। अक्षय कुमार की दो जगह रैंकिंग दी होगी, एक चौथा नंबर एक 33वां नंबर। अभिनेताओं की रैंकिंग में चौथे नंबर पे और ओवरऑल दुनिया की 100 बड़ी हस्तियों में है ना, पर्सनैलिटीज़ में उसमें सब इंक्लूड होते हैं, तो उसमें 33rd नंबर पे। तो 33rd और 4th दोनों हो गया आपका, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अक्षय कुमार जी बस ये हो गया। इसके बाद एक्ट्रेस में अगर नाम आए फोर्ब्स के लिए तो टेलर स्विफ्ट है रैंक वन पे, अभिनेत्री, ठीक है, टेलर स्विफ्ट, डन। अब अगर फीमेल एथलीट की बात आती है, सेरेना विलियम्स, फीमेल एथलीट सेरेना विलियम्स, इंडिया की बेस्ट फीमेल एथलीट पैसे के मामले में फोर्ब्स के अकॉर्डिंग पीवी सिंधु, जो हाईली पेड है, पीवी सिंधु, ठीक है। आगे चलते हैं, वैल्यूएबल ब्रांड, ठीक है, दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड वॉलमार्ट, सिर्फ एक पहला पकड़ने की जरूरत है, वॉलमार्ट, ठीक है। इंडिया में ब्रांड फाइनेंस इंडिया के अंतर्गत टॉप 100 ब्रांड्स की लिस्टिंग की गई, जिसमें सबसे बड़ा ब्रांड है टाटा ग्रुप। कौन है? टाटा ग्रुप। दूसरे नंबर पे LIC, तीसरे नंबर पे इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस। अगर हम सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें तो TCS रैंक वन पे पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी RIL है ना, कैपिटल के हिसाब से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की रैंकिंग, इस साल की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की रैंकिंग निकालता है, उसमें भारत की 7 कंपनियों को जगह मिली है टोटल 500 की रैंकिंग में। और सबसे एक ही रैंक याद करनी है आपको, 106 नंबर पे भारत की सबसे बड़ी कंपनी है RIL। कौन सी है? RIL, बस यह पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं बहुत ही कंसाइज से करा रहा हूँ, जो बिल्कुल ही डैम इंपॉर्टेंट होता आने के लिए। इसके बाद अगर देखेंगे स्टार्टअप रैंकिंग में दुनिया में सबसे ऊपर शहर कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को है। अभी हाल ही में सर्वे आया था जिसमें बताया गया था कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है इंडिया में। वैसे रैंकिंग के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टार्टअप रैंकिंग के हिसाब से सबसे ज़्यादा माहौल कहाँ अच्छा है? बेंगलुरु में, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को तो पता ही, सब फंडिंग के लिए वही आते हैं। उसके बाद नेशन वाइज अगर बात करें तो स्टार्टअप सबसे ज़्यादा कहाँ डेवलप हुआ है? USA में रैंकिंग वाइज, UK में, कैनेडा में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उम्मीद करता हूँ 10 करंट अफेयर बने होंगे 2 मिनट में। थैंक यू सो मच।